हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दिवाली से रिलेटेड ही बहुत ही अच्छी वीडियो, जिसमें मैं आपको आप दीपक डेकोरेशन करना बताऊँगी कि आप सिंपल दीपकों को जो मार्केट से लाते हैं आप उसको इतना अच्छा कैसे बना सकते हैं, और वो भी बिना तेल के। हम यहाँ पर दीपक बनाएंगे और इनको डेकोरेट करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं दिए, जो कि मार्केट से लेकर आते हैं ना दिवाली पर जलाते हैं, वही सिंपल दीपक मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो इस तरीके से दीपक हमने ले लिए हैं, क्योंकि प्लेन है तो प्लेन में इतना मतलब अच्छा नहीं लगता। अगर हम इनको थोड़ा डेकोरेट कर देंगे ना तो इनका लुक बहुत अच्छा आता है और बहुत ही देखने में अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिए हैं कलर। तो कलर जो होते हैं वो मार्केट में ईजिली मिल जाते हैं, इस तरीके के कलर जो कि हम कर सकते हैं इस पर। जो है हमने अलग अलग कलर मतलब इसमें करने हैं। तो सबसे पहले मैंने येलो कलर लिया है, उसको मैं इस तरीके से लगा दूंगी, मतलब पूरा अंदर और बाहर हम कर देंगे। अंदर अगर ना भी करेंगे चलेगा, क्योंकि अंदर हम मतलब इसमें फिल करेंगे तो उससे क्या है कि अंदर का कलर वैसे भी नहीं दिखेगा, बट थोड़ा सा क्या है थोड़ा सा ऊपर का हिस्सा दिखता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऑल ओवर कलर किया है पूरे दीपक में। आप चाहें तो बार बार ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से हम कर लेंगे दोनों साइड से इसको कलर। तो यहाँ पर मैंने दूसरा कलर ले लिया है ऑरेंज कलर, मतलब जितने भी आपके पास कलर हैं आप इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑरेंज कलर भी मैं इसी तरीके से दीपक में कर दूँगी, और सारे दीपकों को हमें इसी तरीके से कलर करके सूखने के लिए थोड़ी देर रख देना है। तो यहाँ पर मैंने सारे दीपकों में कलर कर दिए हैं, उन्हें सूखने के लिए थोड़ी देर के लिए मैंने यहाँ पर रख दिया है। तो जब तक वो सूख रहे हैं, जब तक हम इसके लिए तैयार कर लेते हैं जो कि हम इसके अंदर फिल करेंगे, वो करेंगे मोम। तो मोम तो अगर आप चाहें तो वैसे ही मार्केट में मिल जाता है, नहीं तो आप मोमबत्ती तो भाई सिंपल लाते ही हर कोई घर में दिवाली पर जलाने के लिए। तो हम सिंपल मोमबत्ती भी यहाँ पर ले सकते हैं, और मोमबत्ती को इस तरीके से हमें मेल्ट करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर पैन लिया है, उसमें इस तरीके से मोमबत्ती डाल दी। तो उसके वैसे मैंने तोड़ने को ज़रूरत नहीं थी, आप ऐसे ही सिंपल डाल दीजिए, और बाद में जो धागे हैं इसके अंदर के वो इजीली आप निकाल सकते हैं। बट क्या था, मैंने ये तोड़ दिया जल्दी से। बाद में ही मेरे को आइडिया आया कि हाँ भाई इसको मैं ऐसे भी जला कर सकते हैं मैट। तो कोई नहीं, तो फिर यहाँ पर मैंने मोमबत्ती इस तरीके से यहाँ पर कर लिए तैयार। तो अब यहाँ पर मैं डाल दूँगी कपूर। तो कपूर से क्या है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, आपको पता ही है कपूर में। और घर पर आप रखेंगे इस तरीके के दीपक जलाएंगे तो आसपास जो मक्खी मच्छर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो भी सही रहता है, इसकी खुशबू से भाग जाते हैं, और वैसे भी बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस होती है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा कपूर डाल दिया है। उसके बाद इसको मेल्ट होने के लिए गैस पर रख देंगे, और गैस पर कर लेंगे इसको अच्छे से मेल्ट। तो जब तक कि अच्छे से पिघल नहीं जाता, जब तक हम इसको गैस पे इसी तरीके से मेल्ट करते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेल्ट हो गई है अच्छे से हमारी मोमबत्ती। तो यहाँ पर अब हमें डालना है इसको दीपक में। दीपक हमारे सूख गए हैं, जो इसका कलर है वो सूख चुका है, तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा मोम सब में डाल लेंगे। तो अब हम दीपक, आप चाहें ना तो इस जो मैंने मोम लिया है इसमें आप कलर भी डाल सकते हैं, जो कि कलर हमने किए थे ना दीपक में, वो हल्का सा कलर डाल देंगे तो आपके कलरफुल दीपक भी बन सकते हैं। बट अब मैं कलरफुल यहाँ पर मतलब इस तरीके से नहीं बना रही हूँ, मैं यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कलर ऐड नहीं किया है, सिंपल मोम को पिघला लिया। फिर जो ये बत्ती आती है ना मार्केट वाली, वो मैंने यहाँ पर ले ली है। तो इसको इस तरीके से ना नीचे से थोड़ा फैला कर रखें, जिससे कि ये गिरे नहीं, बत्ती अच्छे से नीचे सेट हो सके। तो इसलिए मैंने फैला दिया, मार्केट वाली नहीं है तो आप घर पर भी इस तरीके से बत्ती बना कर इसमें रख सकते हैं। तो सब दीपकों में मैं इसी तरीके से बत्ती लगा दूँगी। तो यहाँ पर मैंने सब दीपकों में बत्ती लगा दी है, और थोड़ी देर के लिए हमने सूखने के लिए इसे रख देंगे, जिससे कि मोम जो है ना वो हल्का सा सूख जाए, ज़्यादा भी नहीं सुखाना है, हल्का सा बस, हम ऐसा है कि हल्का सा जम जाए। उसके बाद हम इसके ऊपर करेंगे एक और डेकोरेशन, उसमें हम करेंगे स्पार्कल। तो स्पार्कल अगर आपके पास नहीं भी है तो भी आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से सिंपल भी छोड़ सकते हैं, और अगर आपके पास स्पार्कल या कुछ भी ऐसा है तो आप इसके अंदर और प्यारी सी डेकोरेशन कर सकते हैं। तो मेरे पास अलग अलग कलर की स्पार्कल्स थी, तो वो मैंने इन दीपकों को इस तरीके डाल दिया। तो हल्का सा मोम सेट होने के बाद ही अब इसमें डाला, नहीं तो मतलब क्या है ना ये नीचे मतलब वैसे तैरने लगेगी मोम के साथ। तो हल्का सेट होने के बाद मैंने इसे डाला है, और उसके बाद अलग अलग कलर की स्पार्कल हम अलग अलग दीपकों में डाल देंगे। इससे गहने देखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं, अगर आप इसे टेबल सेंटर या घर के बाहर भी गेट पर रखेंगे तो बहुत ही मतलब अच्छा लुक आता है इससे। तो मैंने थोड़ा इसलिए इस तरीके से डेकोरेट किए हैं दीपक। और यहाँ पर अब मैं जला के आपको दिखाती हूँ कि मतलब कितने ब्यूटीफुल से हमारे दीपक जो यहाँ पर बन गए हैं दिवाली के लिए। तो आप इस तरीके से पहले से ही इन दीपकों को रेडी कर सकते हो, दिवाली वाले दिन आप इसको जलाएँ, बहुत ही अच्छे लगने वाले हैं। कोई पूछेगा आपने कैसे बनाए दीपक, तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो यहाँ पर इस तरीके के दीपक आप बना सकते हैं, और ना कि तेल की ज़रूरत है ना कुछ,
अच्छे हैं। आप इसी तरीके से सिंपल इनको जलाएं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो मैं एडवांस में आपको कर देती हूँ हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पर दीपक बिल्कुल तैयार हैं, तो आप भी अपनी दिवाली को रंगीन बनाने के लिए रंगीन दीपक ज़रूर बनाएं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।